जिक्र नहीं है। दो तीन दिन में इस मामले पर सुनवाई होगी, ये बड़ी जानकारी इस वक्त चंडीगढ़ से मिल रही है। तो पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में ये पिटीशन दायर हुई है फिल्म इमरजेंसी को रोकने के लिए। पहले ही इमरजेंसी फिल्म जो है वो विवाद जो एडवोकेट हैं वो मौजूद हैं। सर, आज आपने एक पिटीशन जो है वो दायर की है, उसमें साफ तौर पर कहा है कि जो इमरजेंसी फिल्म जो कंगना रनौत की रिलीज होने वाली है उसमें सीकू के किरदार को जो है गलत दर्शाया गया है। बिल्कुल सही बात है जी, जो ट्रेलर लॉन्च हुआ उसका यूट्यूब पे, उसमें दिखाया गया है कि कैसे कुछ सिख व्यक्ति हैं जिन्होंने जो गात्रा पहना हुआ है और उनके हाथ में जो AK-47 की बंदूकें हैं और वो कुछ ऐसे व्यक्तियों पर गोलियां चला रहे हैं जो क्लीन शेव हैं, जिनके पगड़ी नहीं पहनी है। तो पता चल रहा है फिल्म सीन देख के कि वो हिंदू कम्युनिटी को बिलोंग करते दिखाए गए हैं। तो इससे क्या है कि जो पंजाब में जो 9 मास का रिश्ता है, आपसी भाईचारा है हिंदू और सिख कम्युनिटी का, उसको जो ठेस पहुँच सकती है, जो एक फ़िरका प्रस्ती की भावना है वो पंजाब में और इंडिया की बाकी स्टेट्स में भी पैदा हो सकती है, तो उसको रोक लगाने के लिए। और दूसरा सीन ये है कि जो दमदमी टकसाल के चौथ में मुखी हैं संत यानी बाबा जरनैल सिंह जी खालसा पिंडरां वाले, और उनकी छवि को भी ख़राब करने की कोशिश की गई है कि कैसे उन्होंने तब के जो कांग्रेस पार्टी के लीडर्स हैं उनके साथ डील की थी कि मैं आपको जो जनरल असेंबली की वोटों में जिताऊंगा, आपको वोटें चाहिए मैं आपको वोटों दिखाऊंगा। इन दोनों सीन्स का कोई भी तथ्य नहीं है, कोई भी मूल्य नहीं है। तो सरासर ये एक किसी मलिशियस इंटेंट के साथ ये दायर की गई। तो अगली सुनवाई कब होगी, हाईकोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया? हमें जो उम्मीद है कि अगले 2-4 दिन में जो सुनवाई होगी। तो सीन फिल्म बैन करने के लिए लगाई गई है पीएल, या ये जो सीन है जिसमें आप कह रहे हैं कि गलत दिखाए गए हैं उसको काटे जाने के लिए? देखो, प्राइमा फसाई तो कानून के अंडर कोई पूरा ब्लैंकेट बैन तो कुछ हो नहीं सकता।